So hi, this is Lone Ranger and right now it's 12 a.m. And where I am? I'm in the workshop and part of my voice थोड़ी बैठी हुई आवाज थोड़ी सी सर्दी हुई की वजह से सो हाँ तो रात के 12 बजे मैं क्या कर रहा हूँ वर्कशॉप में एक तो वी हैव समवन स्पेशल इन द हाउस टुडे अरे सो वी हैव पंकज इन द हाउस एंड अभी पंकज आया तो कुछ तो स्पेशल जरूर होगा सो वी आर वर्किंग ऑन स्पेशल प्रोजेक्ट जो आपको पता चल गया होगा वैसे तो पूरा दिन भर काम कर रहे हैं बट वी डिडंट रियली गॉट टाइम टू व्लॉग ड्यूरिंग द वर्क सो अभी 12 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा शूट किया है वैसे बाय द वे If you have seen my Instagram stories or videos, you probably know that के मेरी बहुत फट रही थी वो बड़े बैग की वजह से So we found out some solution and we are actually planning to make our own design, our own patent design drone और वो उसका ही मैन्युफैक्चरिंग अभी चल रहा है वैसे 2 महीने से तो तैयारी चल रही है बट मैंने कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया था कि मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ वैसे 3-4 दिन पहले स्टोरीज पे थोड़ा सा क्लू दे दिया था कि दिस विल बी माय लास्ट राइड विद माय दिस ड्रोन होपफुली सो जिनको पता होगा जिन्होंने गेस किया उनको पता होगा शायद थोड़ा बहुत नहीं तो वी नेम आवर फर्स्ट ड्रोन एज अ दृष्टि दृष्टि मीन्स द व्यू द ड्रोन एक्चुअली गिव्स अस द व्यू सो वी नेम्ड इट एज अ दृष्टि करंटली वी हैव बीन वर्किंग अराउंड फ्रॉम लास्ट 12 आवर्स और फ्रेम बना रहे हैं उस चीज के लिए वो एल्यूमिनियम फ्रेम रहेगा वो पीछे है तो आपको देते रहेंगे सारे अपडेट्स जितने भी होंगे वैसे जो भी हुआ है आपने पहले देख लिया होगा तो नहीं तो मैं यहाँ पे लाइन अप कर दूंगा वो सारी चीज है सो चलो लेट्स गेट टू द वर्क कटिंग आर्म्स एंड एक चीज अच्छी है कि घर के सामने ही है वर्कशॉप है मेरे तो टेंशन नहीं है वो चीज का तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा सो पहले मेजरमेंट करेंगे फिर आर्म्स कट करेंगे प्रॉपरली शेप साइज परफेक्ट मेजर करके क्योंकि फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेम पे सब कुछ डिपेंड होता है स्टेबिलिटी वाइब्रेशंस कितने कम होंगे वो सब चीज़ें फ्रेम्स पे डिपेंड होती है इसलिए फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सो करते हैं अभी पर्टिकुलरली लाइक टू टेल यू कि ये जो नया ड्रोन होगा वो जो मेरा पुराना वाला ड्रोन है उससे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग हमने फ्रेम नया बनाया है बाकी सब कुछ पुराना है इसलिए सो दिस विल बी द पर्टिकुलरली स्पेशल ड्रोन क्योंकि ये सेल्फ मैन्युफैक्चर ड्रोन है हमने फ्रेम पूरा कैलकुलेट करके बनाया हुआ है जो भी होगा वो पूरा डिपेंड है कैलकुलेशंस पे बहुत बहुत टफ होता है एटलीस्ट वी टुक अराउंड 2 मंथ्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है वो सब चीज़ें वैसे भी फाइनलाइज नहीं है फाइनल प्रोडक्ट आने भी और भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि R&D चल रहा है बेसिकली तो R&D चल रहा है जैसे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वैसे वैसे आगे चल जाएंगे तो दोपहरचे सवती नो अजलित का शॉट है तो लो काय म्हणायचे काय म्हणू आता रात्रानी दुपार सारखी आहे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पहले ऑफ बस्ट हो चुका है एक बार एंड दिस इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट नहीं वो कैपेसिटर निकाला कैपेसिटर क्यों निकाला निघाला ना आता तर फुटून निघाला ना आता फुटला आता निघाला फुटला नाही का आता आले तर फोन करायचे आधी
का कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर. सो राइट, इट्स 7:30 एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर होल डे. आई डोंट नो वेदर द होल नाइट विल बी स्पेंड ऑन दिस और नॉट, बट चल रहा है वैसे काम, क्योंकि खुद का डिजाइन है, प्री प्लान रहता तो कर सकते थे. वैसे ये प्रोटोटाइप था, इसके बेसिस पे ही सब कुछ चल रहा है. सो वुड यू लाइक टू से समथिंग? इज ब्रिटिश आई बाय द वे, ही एक्चुअली ही प्लान्ड एवरीथिंग कि मैं जाके ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ऐसे. बट अभी फिर से कंप्लीटली ब्लैंक. व्हाट? सो वुड लाइक टू सी द मेस. हाँ, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बाथरूम में नहीं जाएंगे. उसी प्रेजेंट में चल रहा है, फास्ट फास्ट चलने दो. तो भाई साहब, तो बजे है रात के 12 और भाई साहब ऑलरेडी नींद में है अभी, और काम नहीं है खत्म तो करना है अभी तक वो कंप्लीट. वैसे फ्रेम दिखा दो आपको. ये बेसिकली फ्रेम है और ये फोल्डेबल होगा, मतलब जब चाहिए तब फोल्ड कर सकते हो. और एक सबसे अच्छी चीज कि मुझे अभी प्रोफेशन नहीं निकालने वाले, सेटअप करना बहुत इजी हो जाएगा. तो अभी ऐसे है पूरा फ्रेम, तो यही अब कुछ फाइनलाइज करना है सब कुछ. और एक सबसे अच्छी चीज कि एक भी वायर ऊपर नहीं दिखेगी, कंप्लीट सब कुछ गायब हो जाएगा. सिर्फ प्रोपेलर्स, मोटर्स और कुछ नाजा कंट्रोलर रहेगा, जो डायरेक्ट वो GPS कंट्रोलर रहेगा, बस उतना ही. और बैटरी, सिर्फ इतनी ही चीजें ऊपर रहने वाली है, तो वो बहुत सही दिखने वाला है. सो देखते हैं, करते हैं कंप्लीट डीलिंग विथ ऑल दिस. सो वी आर वॉचिंग वन वीडियो कि वो एक्चुअली क्रैश कैसे होता है, वो एक्सप्लेन कर रहा था. तो भाई साहब बोल रहे हैं, किसको बता रहे हैं? क्रैश बादशाह. बेसिकली कॉल्स मी और क्रैश बादशाह. इतने बार क्रैश किए, इतने बार क्रैश किए, और ऐसे संगीन क्रैशेस किए, बाप रे. और उसके वीडियोस भी है, तो कभी कभी मैं बनाऊंगा क्रैश कंपाइलेशन, मेरा खुद का वीडियो बनाऊंगा, और अच्छा खासा 8-9 मिनट का वीडियो भी बन जाएगा वो क्रैश कंपाइलेशन. इतने सारे क्रैश है, और वो भी एक रीजन है कि मैंने हम लोग ये डिज़ाइन भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अलग से, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा. और इसके पहले एक बार उड़ा चुके, शायद एक बार क्रैश किया है 300 फीट से ना, हाँ 300 मीटर से क्रैश किया है, और फिर भी सर्वाइव कर गया. प्रोटोटाइप फिर भी सर्वाइव कर गया वो. तो देखते आगे जाके मेरा भी नहीं होगा. पर अच्छी चीज है, क्रैश करने की वजह से मेरे को ज्यादा डीप नॉलेज, जितने बार क्रैश किया मैंने खुद से वापस रिपेयर भी किया है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मेरे नाक, तो उसी वजह से सीखता है आदमी, क्योंकि आप ज्यादा उसमें घुसोगे, ज्यादा आप तोड़ोगे फोड़ोगे, तो ज्यादा डीप नॉलेज आएगी, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नो यू डोंट वांट टू सी माय फक फेस. And so finally we are going to take our first flight. So right now it's almost 2 in the night.
So this is the third consecutive day we have been working continuously. Like अभी तो हो गया almost 3 दिन से almost लाए भी नहीं हम दोनों भी. So we उठते 4 बजे सोते हैं फिर उठते हैं फिर same work going on full day. So the thing is that you know that कि मैं बहुत ज़्यादा viable कर रहा हूँ बहुत दिनों से like I cannot take really that heavy bag with me because it's really tough to carry that 8 kg bag. So actually 2 months ago we both of us came on the solution that we will be doing our own frame और जो foldable रहेगा जो ऐसा रहेगा कि आप अपने sack में carry कर सकते हो and that we have made that and right now it's here yeah that's his frame and mine one is here भाई साहब इसके जो लेग्स होंगे वो रिमूवेबल होंगे कंप्लीटली रिमूवेबल लेग्स कंप्लीटली रिमूवेबल गिम्बल सो यू कैन टेक दिस लिटिल थिंग इन योर कॉलेज सैक इफ यू वांट टू फ्लाई इट विद द लैंडिंग गियर यू कैन अटैच देम एंड इफ यू डोंट वांट देम यू कैन डू विदाउट दैट या वही तो अभी तक अरेंज नहीं करना है वो अभी बाकी वो भी करेंगे इतना जो कर लिया तो वो क्या चीज़ बहुत रातें जगनी है अभी बहुत रातें जगनी है वैसे दीस 3 कंसेक्यूटिव नाइट्स इन रियली बैड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग आई गेस या दे बट इन द एंड इट इज रियली वर्थ इट बिकॉज फाइनल द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर वॉचिंग द फाइनल प्रोडक्ट द खुशी थी वो बता नहीं सकते वी कैनॉट रियली एक्सप्रेस दैट थिंग इन वर्ड्स बिकॉज क्योंकि आप कुछ सोचते हो वो विजन कंप्लीट करते हो वो सक्सीड करते हो उस चीज में मेकिंग योर ओन प्रोडक्ट मेकिंग योर ओन ड्रोन मैन दैट इज नॉट रियली सिंपल थिंग इट इज पार्शियली सिंपल बट इट इज नॉट रियली सिंपल सो अ मंथ बैक वी केम विद अ सॉल्यूशन दैट वी हैव टू बिल्ड दिस थिंग वी हैव टू बिल्ड अवर ओन फ्रेम वी हैव टू डू समथिंग न्यू वी हैव टू implement something out of the world and we did that after a month ka hoi na but we did that but I'm really really happy that we have built our own drone guess the name we named it as a Drishti the pure Indian name the Drishti stands for the view and I always wanted a view a better view of the view view of the view bahut zyada important hai ye word a better view of the view so that is the thing जिसके लिए इतनी सारी मेहनत हो रही है आप किसी ने मेरे को पर्सनली जानते हो तो you have seen that वो पूरा wired wired drone लगता था and in this particular drone we have eliminated every single wire every fucking single wire we have eliminated you cannot see a single wire ये वैसे पुराना तो ignore this ये थोड़ा सा इग्नोर कर लो बिकॉज ये पुराना वर्जन है एक्चुअली वी इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट ड्रोन देन सेकंड ड्रोन द दिस वन इज द थर्ड आई गेस द माइंड वन इज द थर्ड सो वी आर इम्प्रूविंग डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग आवर डिजाइन वी आर इम्प्रूविंग आवर कैलकुलेशंस वी आर इम्प्रूविंग आवर R&D स्टफ सो दिस वॉज द थिंग सी यू कैनॉट इवन गेस वेर आर द कनेक्शन वेर आर द ऑल पार्ट हिडन इन साइड दिस स्मॉल लिटिल converted H kind of shaped box. This is my normal bag जो आप मैं कॉलेज में लेके जाता हूँ which I have been carrying for almost 4 years. And आपको वो second bag दिखा दो जो I used to carry with my drone. This bigger thing I used to carry for my drone and this is the thing I will be carrying for my drone from now onwards. The main purpose is the customizable drone that we can customize anything, we can add any kind of module, we can experiment on this, that is more important. The smallest drone of DJI will cost you around 75,000. Now it will be around 65 I guess, but the Spark will cost you around 65,000. I know that is much advanced technology, much smaller thing to carry, but bhai saab, future mein will be implemented that thing too. Yeah, we are slowly growing, slowly we are implementing new things, we are growing. I don't know when we will be meeting, actually we met around after 2 or 3 months. You saw the video that you probably know that we met around three months I guess and that is true for the drone, all this drone or stuff. So that's pretty much all about this. So this is the end of the video. I don't really know
Actually, we don't really know where all these things are going to take us, but we really like implementing all these things, and we will keep doing it. We will keep doing it. I don't know where, what we are going to do next. देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा आप भी देखोगे हम भी देखेंगे यार सब एंजॉय करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डू हिट सब्सक्राइब बिकॉज आपको वीडियो पसंद आए तो कर दो सब्सक्राइब लाइक कर दो कमेंट करो बताओ हमको व्हाट इज योर व्यू हाउ डू यू फील आवर ड्रोन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर ड्रोन व्हाट डू यू थिंक अबाउट हार्ड वर्क व्हाट डू यू थिंक अवर hard faces that we didn't really watched from last 3 days please press the bell icon pass me subscribe ke baad bell icon daba do aapko video notification aa jayega because bahut log bolte hain ki video notification nahi aata that is so important to press karo wo bell icon that is more important so thank you so much for watching and bye